ये तुम जानते हो। दोस्तों आज हम बात करेंगे हॉलीवुड के मंकी किंग यानी कि वहां से आने वाली बंदरों की फिल्म। ट्रेलर रिलीज हो चुका है, इस ट्रेलर को भी सुपर बोल के अंदर रिलीज किया गया है, इसलिए आज हमें बहुत सारे हॉलीवुड की तरफ से ट्रेलर देखने को मिलने वाले हैं जो बहुत ही बेहतरीन होंगे। और अब उन्हीं में से एक किंगडम ऑफ द प्लैनेट्स ऑफ द एप्स मूवी का बेहतरीन ट्रेलर रिलीज हो चुका है जो देखने में तो बहुत ही ज़्यादा कमाल का लग रहा है। और हमें बंदरों के साथ में इंसानों की भी लड़ाई देखने को मिल रही है और इसकी स्टोरी बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन है क्योंकि ये पूरी फिल्म स्टोरी और एक्शन के ऊपर ही टिकी हुई है। तो चलिए बात करते हैं कि किंगडम ऑफ द प्लैनेट ऑफ द एप्स का न्यू ट्रेलर कैसा है। सबसे पहले इस मूवी की स्टोरी की बात कर लेते हैं कि आखिर इन बंदरों की फिल्म के अंदर हमें क्या दिखाया जाएगा। तो किंगडम ऑफ द प्लैनेट ऑफ द एप्स मूवी की स्टोरी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है जहाँ पर आप इंसानों के ऊपर बंदर राज कर रहे हैं और इंसानों का ज़माना चला गया है और इंसानों से ज़्यादा होशियार बंदर हो चुके हैं और पूरी दुनिया के ऊपर बंदर राज कर रहे हैं और वे सारे इंसानों को मिटा देना चाहते हैं। और इन सब बंदरों का राजा एक बहुत बड़ा गोरिल्ला है जो किसी को भी अपने आगे खड़े नहीं होने देता और सबको मारने पर उतर जाता है। और जब उसके खिलाफ़ कुछ बंदर खड़े होते हैं और इंसानों की साइड लेते हैं तो वह उन बंदरों को भी मारने लग जाता है। अब क्या इस गोरिल्ला का राज इन बंदरों के ऊपर से ख़त्म होगा या फिर यह इंसानों को ही ख़त्म करेंगे, यही हमें इस मूवी में के अंदर देखने को मिलेगा। बहुत ही बेहतरीन बनाया है, हम इसके ऊपर भले ज़्यादा बात ना करें पर हम इस फिल्म को देखना ज़रूर पसंद करेंगे क्योंकि इसकी स्टोरी और इसका एक्शन बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है। और इसकी पिछली फिल्म की स्टोरी भी बहुत ज़्यादा शानदार थी, इसलिए इस मूवी से भी उम्मीद है कि ये फिल्म भी बेहतरीन होगी। इसी के साथ में किंगडम ऑफ द प्लैनेट ऑफ द एप्स मूवी ने हमारी रियलिटी दिखाई जाती है कि हम इंसान जानवरों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। अगर वह जानवर हमारे साथ ऐसा व्यवहार करना शुरू कर दे तो फिर हमारा क्या होगा। और वैसे ही जैसे कुछ इंसान अच्छे होते हैं वैसे ही कुछ जानवर भी हमें इस फिल्म के अंदर अच्छे दिखाए गए हैं जो एक तरफ से हमारी रियलिटी के ऊपर ही फिल्म बनाई गई है। इस मूवी की रिलीज डेट भी हमारे सामने आ चुकी है। ये फिल्म हमें थिएटर के अंदर कब देखने को मिलेगी, प्रभास की कल की 2898 AD मूवी जिस टाइम पर रिलीज़ होगी उस वक्त यह फिल्म भी थिएटर के अंदर रिलीज़ होने वाली है। कल की मूवी का रिलीज डेट 9 मई रखी गई है, वहीं किंगडम ऑफ द प्लैनेट्स ऑफ द एप्स मूवी भी रिलीज डेट 10 मई रखी गई है। 10 मई 2024 को ये फिल्म आपको थिएटर के अंदर देखने को मिल जाएगी। तो क्या आप इस मूवी को देखोगे, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही।